दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय भूषण ज्वेलर्स। सोना खरीदो सोना जीतो, स्वर्ण समृद्धि योजना। पश्चात उपचुनाव को लेकर बीजेपी अब निशाने पर आ गई है। वहीं कांग्रेस बीजेपी में हुई गुटबाजी के बाद अब जीत के सपने देख रही है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है कि चुनाव से पहले ही बीजेपी में गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा तानाशाही रवैया अपनाती है और हमेशा जातिवाद और क्षेत्रवाद की राजनीति करती है। इनका कहना है कि पश्चात में पार्टी से बागी हुए खुद बीजेपी के बागी नेता अब बता रहे हैं कि पार्टी के अंदर किस तरह से आम कार्यकर्ताओं की आवाज को दबाया जाता है। गौर हो कि पच्छाद में बीजेपी के दयाल प्यारी और आशीष सिकटा बागी हुए हैं, जिससे यहां पार्टी में गुटबाजी बढ़ गई है। वहीं कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसका फायदा आने वाले चुनाव में पार्टी को मिलने वाला है। 3 सितंबर तक नामांकन वापस लेने की तारीख है। ऐसे में 3 सितंबर को ही तय हो पाएगा कि यहां कितने उम्मीदवार चुनावी मैदान में रहते हैं और किस किस के बीच मुकाबला रहता है। देखिए, पछाड़ चुनाव जो है कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीतने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसका आपने पिछले दिनों में देखा भी हुआ, भारतीय जनता पार्टी के तो कार्यकर्ता ही अपने नेतृत्व पे जो है तानाशाही का आरोप लगा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी कई गुटों में विभाजित है पछाड़ निर्वाचन क्षेत्र में। और कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता गंगूराम मुसाफिर जी हैं, जिनके नेतृत्व में पछाड़ का असलियत में विकास हुआ है। और आज पछाड़ का जो इतना दूर दूर गामी जो क्षेत्र है, आज विकास से लैस हुआ है, तो गंगूराम मुसाफिर जी और कांग्रेस पार्टी की सरकार के माध्यम से हुआ है। और लोग जानते हैं कि गंगूराम जी नहीं हमारा विकास करा है, आने वाले समय में भी नेतृत्व जो है पछाड़ कॉन्स्टिट्यूशन का गंगूराम जी को जाने वाला है। और इसमें हमें पूर्ण उम्मीद है यहाँ की जनता से, पछाड़ क्षेत्र की जनता से। पिछले 2 वर्षों में प्रदेश सरकार एक भी कोई विकास कार्य जो है मुख्य रूप से करवा पाई हो तो बताए, क्योंकि यहाँ पर जो भी विकास कार्य दिखाई दे रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी की देन है। बिल्कुल, देखिए जो हम तो पहले से भी बोलते रहे हैं, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के ही नेता बोलने लग गए हैं, तो इसमें सच्चाई है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही क्षेत्रवाद के नाम पर, धार्मिक आधार पर, जाति के आधार पर जो है जनता को गुमराह करती रही है। और जनता इससे आज भली भांति वाकिफ़ है। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी वाकिफ़ हो गए, ये हमें खुशी की बात है। और मैं तो चाहता हूँ कि लोग आज जो इस चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को जवाब दें कि ऐसी तानाशाही और जातिवाद के आधार पर, धार्मिक आधार पर, क्षेत्र के आधार पर जो है राजनीति बंद करें, अन्यथा। नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। त्योहारों के सीजन में भूषण ज्वेलर्स अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है स्वर्ण समृद्धि योजना। 10 सितंबर से 14 सितंबर तक तो आज ही भूषण ज्वेलर्स से खरीदे शुद्ध सोने, हीरे व चांदी के आभूषण और पाएं 2.5 लाख रुपए तक की ज्वेलरी। 2 विजेताओं के लिए दुबई टूर, 3 स्कूटी, 5 32 इंच की LED टीवी और 5 वॉशिंग मशीन व अन्य ढेरों इनाम। आज ही विजिट करें भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार सोलन। संपर्क करें 01792221404। लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।